पंद्रह मिनट और ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाए ड्राई हो जाए जब ये ड्राई हो जाएगा तब उस दौरान आपने किसी से बात वगैरह नहीं करनी अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली आई हो आप लोग सब खैरियत से होंगे तो जनाब गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं ऑब्वियसली बल्कि गर्मियां आधी गुजर चुकी हैं और मेरे पास जो सबसे ज़्यादा मेन जो मसला आ रहा है जो मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं वो ये आते हैं कि हम कुछ भी लगा रहे हैं हमारी स्किन के ऊपर असर नहीं हो रहा गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं अगर हम क्रीम अप्लाई करते हैं तो पसीना आने लग जाता है सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग जो है ना क्रीम को गलत तरीके से अप्लाई करते हैं जिस वजह से आपको पसीना आता है सेकेंडली अगर आप लोग कहते हैं जो हमें किसी चीज़ में भी भी फर्क नहीं पड़ रहा था तो, तो ये रेमेडी है आपके लिए इसको आपने गौर से देखना है और स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करके अगर आप इसके ऊपर इसको आप मतलब डेली रूटीन में अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपकी स्किन के ऊपर जो काले धब्बे पैचिस और ये जो ऑयली स्किन है स्पेशली उनके लिए जो मसले हैं वो खत्म हो जाएंगे ठीक है टमाटर उसके बाद आपको होगा एक पोटैटो यानी कि आलू ये दोनों चीजें हैं जो आपको चाहिए होंगी ठीक है आपने क्या करना है टमाटर को कट करना है आलू को कट करना है दोनों को डालना है जनाब ब्लेंडर में और दोनों को पीस लेना है आपने मतलब जैसे पेस्ट बनाते हैं ना वैसे ही आलू को छीलने की जरूरत नहीं है टमाटर को पील करने की जरूरत नहीं है कुछ भी किसी से भी रिमूव करने की जरूरत नहीं है ना बीज ना छिलके दोनों को ब्लेंड करके अच्छे तरीके से उनको स्ट्रेन कर ले जिस तरह से मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है ये देखें ठीक है इस तरीके से पानी निकल आएगा जब आप आलू और टमाटर को पीसेंगे उनका पेस्ट बन जाएगा उसको आपने छान के नीचे से पानी निकाल लें पल्प हमें नहीं चाहिए ठीक हो गया ये मैंने निकाल लिया था तो दोनों का पानी उसके बाद यहाँ पे आपको चाहिए होगा फ्रेश लेमन ठीक है यहाँ पे है मेरे पास लेमन लेमन नेचुरली इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ है, तो गर्मियों के लिए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है इसको हम लोग किसी स्टेनर की मदद से इसमें से थोड़ा सा जूस निकाल लेंगे यहाँ पे मेरे पास स्टेनर है ये देखिए क्योंकि ये हाथ से आजकल इतने कम इसमें रस आ रहा है लीम में कि नहीं निकलता तो इसमें दो से तीन कतरे चले गए हैं जनाब लेमन के अब हमने इसके अंदर क्या ऐड करना है मेरे पास है यहाँ पे मीठा सोडा अच्छा अक्सर आप लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि मीठा सोडा बेकिंग सोडा में क्या फ़र्क है देखिए मैं आप लोगों को बार बार बताती हूँ कि बेकिंग सोडा यूज नहीं होता रेमेडीज में ये मीठा सोडा है ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया ठीक है इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है इसके अंदर ये देखें ठीक है ये इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपने इसको लगाना किस तरीके से है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ आपने इसको अप्लाई करना है इस तरीके से फिंगर टिप्स से अपने हाथों के ऊपर अपने पैरों के ऊपर अपनी स्किन के ऊपर आपने इससे मसाज करना है कितनी देर करना है दस मिनट आपने अच्छी तरह मतलब स्टॉप नहीं करना मसाज करते रहना है करते रहना है करते रहना है कितने मिनट दस मिनट उसके बाद जनाब आपने इसको छोड़ देना है पंद्रह मिनट और ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाए ड्राई हो जाए जब ये ड्राई हो जाएगा तब उस दौरान आपने किसी से बात वगैरह नहीं करनी अगर आपने फेस पे लगा क्योंकि ये आपको खिच खिंच पड़ेगी इस मास्क से तो मतलब अवॉइड कीजिएगा ठीक है ये जब आप जब जब ये ड्राई हो जाएगा अच्छे से उसके बाद आपने अपने इसको सादा पानी से धो लेना है आप इसको हफ्ते में अगर जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब है वो हफ्ते में तीन दफ़ा यूज़ करें जिनकी स्किन नॉर्मल ख़राब है वो इसमें इसको हफ़्ते में दो दफ़ा इस्तेमाल करें इससे ओपन पोर्स का जो मसला है वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा ठीक है ये बेस्ट फेस पैक है समर्स के लिए स्पेशली जो काली रंगत हुई हुई सबकी जो कलर डल हुआ है इससे बहुत जल्दी आपका जो कलर है वो रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा तो व्यूवर्स ये थी आज की रेमेडी आई होप आप लोगों को मेरी रेमेडी पसंद आई होगी अगर मेरी रेमेडी आपको पसंद आई है तो मेक श्योर करें कि मेरी वीडियो कर ले छोटा सा लाइक और मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़